सो व्हाट्स अप गाइस, वेल दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनिया। एंड यार कुछ दिनों से ना मतलब मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ कि कुछ लोगों को छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं गिटार के अंदर, जो कि मतलब काफ़ी लोग कवर नहीं करते इन चीज़ों को, बट वो मायने ज़रूर रखती हैं क्योंकि एक गाने के अंदर टेस्ट डेवलप करती हैं विच इज़ कि कैसे हमें स्ट्रमिंग के टाइम पर चक डालना है, म्यूट करनी है स्ट्रिंग्स, या फिर हमें ऐसे हल्का सा जो है स्लाइड देना है, या फिर हमें थोड़ा सा गिटार रोल देना है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वेरिएशंस, छोटी छोटी ट्रांजिशंस के ऊपर मैंने देखा कि बहुत कम वीडियोस हैं या फिर ना बराबर वीडियोस हैं, तो मैंने सोचा है कि यार थोड़ा बहुत सब लोगों को बताना चाहिए कि कैसे चीज़ें होती हैं। सो गाइज, आज की वीडियो जो है वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी चार चीज़ें उसमें हम सिखाने वाले हैं, मतलब चार, ओके। तो चार चीज़ों को मैं सिखाने वाला हूँ, क्या क्या। पहले तो होगी हमारी चक, देन उसके बाद म्यूट, म्यूट के बाद एक आ गया हमारा स्लाइड, देन उसके बाद लास्ट चीज़ होगी हमारी गिटार रोल, जिसमें हमें स्ट्रिंग्स को म्यूट रखना है, ठीक है। तो ये चार चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, स्टार्टिंग विद द चक थिंग। तो यार देखो, चक के लिए एक बार मैं अपनी पिक को साइड रख देता हूँ। चक के अंदर हमारा यार बेसिकली आइडिया क्या है, हमें अपनी ना चक की जो साउंड बनती है वो हमेशा ज़्यादातर, वैसे तो हम यहाँ पे मारते हैं, लेकिन वो साउंड यहाँ से क्रिएट होती है जब ये वाला पार्ट हमारा नीचे वाले गिटार के इस पार्ट पर लगता है, इस मेटल पार्ट पर लगता है, फ्रेट के डिविजन पर लगता है, तब हमारी वो चक साउंड देता है, ठीक है। तो इस चक साउंड को हमें चाहिए कैसे, तो अगर तुम देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे प्ले करके इसको, जैसे मतलब स्ट्रमिंग कुछ भी चल रही है हमारी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी स्ट्रमिंग चल रही है हमारी, डाउन अप कोई भी चल रही है, तो स्ट्रमिंग लेके अपने पूरे हाथ को अच्छी तरह से कवर करो। देखो यार, पता है क्या डाउट रहता है ज़्यादातर, मतलब दिक्कत क्या रहती है कि बिगनर्स जो होते हैं ना, मतलब आगे वाले प्लेयर्स को अच्छी तरह आता है ये चेक करना ज़्यादातर को, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना उनको एक छोटा सा डाउट रहता है कि यार ज़्यादा तेज मारा तो स्ट्रिंग्स टूट तो नहीं जाएंगी। देखो, मुक्का नहीं मारना, बहुत तो एकदम तोड़ना नहीं है इसको, नहीं, हमें हल्का हाथ मारना है और अपना स्ट्रमिंग करते हुए, ठीक है। तुम हल्का सा स्लैप करोगे तो गिटार को कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा ही डाउट है तो एक काम करो, यहाँ पर स्लैप करके देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहता है कि खाली जगह है यहाँ पे स्ट्रिंग टूट जाएगी, तो कोई नहीं, यहाँ पे हल्का सा स्लैप करके देख लो, ठीक है। तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कितना प्रेशर अप्लाई करने पे भी स्ट्रिंग्स को कुछ नहीं हो रहा, तो उस डर को यहाँ से भगाओ और फिर उसके बाद आराम से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। चेक में हमें बस करना क्या है, अपने हाथ को अच्छी तरह से सारी स्ट्रिंग्स के लिए कवर करना है और कोशिश करो कि स्ट्रिंग के इस पार्ट पर मार पाओ, ठीक है। थोड़ा सा इधर को रहोगे तो उस चेक की ज़्यादा मेटलिक साउंड आएगी, कैसे। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि या तो तुम्हें थोड़ी सी मेटलिक साउंड चाहिए, यानी वायर्स की छन वाली आवाज़ चाहिए, या फिर थोड़ा सा बेसी साउंड चाहिए, यानी यहाँ से मारने से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है हमारे गिटार होल के अंदर, उस साउंड को चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं चक के, यानी मार के एकदम से कोई भी स्ट्रमिंग लेके एक बीट को ऐसे देना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी चक दोगे ना, तो मैक्सिमम चांसेस यही रहते हैं कि एक बीट जो होती है वो हमारी चक खा जाता है। तो यानी खा जाता है का मतलब क्या है कि स्ट्रमिंग के अंदर एक बीट देन चक के लिए रिजर्व करके चलना कि एक बीट हमारा चक लेगा, जैसे डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक, डाउन डाउन अप चक। हम ज़्यादातर कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, हम सोचते हैं डाउन 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 अप फिर चक ले देंगे लास्ट में और फिर वहीं से स्ट्रमिंग शुरू कर देंगे, नहीं, चक को पूरा टाइम दो, अच्छी तरह से टाइम दो, यानी डाउन डाउन अप चक, मतलब जो भी नीचे की स्ट्रमिंग चल रही है हमारी डाउन अप, उसके बाद चक के लिए एक बीट बचा के रखो कि ये एक बीट यूज़ करेगा ही करेगा गाने की, तो उस एक बीट के अंदर मेरे को चक दे के वापस स्ट्रमिंग को शुरू करना है। ये हमारी टाइमिंग होती है चक को एक कभी भी प्लान करने के लिए, कभी भी बजाने के लिए, ठीक है। तो चक हमारा क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट टू पर। सो गाइस, पार्ट टू इज़ म्यूट। तो म्यूट के अंदर हमने क्या करना होता है यार, देखो म्यूट ना, म्यूट और चक में बस एक फ़र्क है कि चक के अंदर आप ऐसे दे देते हो, म्यूट के अंदर आप बस प्ले करते हुए, मैं
मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, म्यूट को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि म्यूट को अगर थोड़ा सा तेज मारा तो वो चक बन जाएगा, ये करा तो चक बन जाएगा, और हल्का सा हाथ यूं दे दिया बस तो ये म्यूट हो जाएगा। म्यूट का बेसिक आइडिया क्या है कि स्ट्रिंग्स की जो हमारी आवाज़ होती है हमेशा वाइब्रेट करके आती है, ठीक है। अब आप वाइब्रेट करके एक बार हल्की सी उंगलियों रख दो तो वहीं पे हमारी स्ट्रिंग्स चुप हो जाएंगी। तो ये म्यूट का भी आइडिया क्या है, स्ट्रमिंग करते हुए बस स्ट्रिंग्स को शांत करना। स्ट्रिंग्स को शांत करोगे यहाँ से तो वो चक बन जाएगा, क्योंकि तेज़ तेज़ में पता नहीं लगता कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमेशा म्यूट का आइडिया क्या रहता है, म्यूट लेने के लिए यहाँ पे मारो, यानी पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की तरफ थोड़ी सी स्ट्रिंग टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा तेज़ प्रेशर भी डालोगे तो ये स्ट्रिंग्स नीचे टच होके ये साउंड नहीं दे पाएगी, ऐसे रहेगा, यानी म्यूट रहेगा। ठीक है, म्यूट का बेसिक आइडिया क्या है कि हमें स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन को एकदम से रोक देना है अपनी स्किन से। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं म्यूट के अंदर। तो म्यूट और चक के अंदर फ़र्क क्या है कि म्यूट में हम स्ट्रिंग्स को चुप कर रहे हैं और चक से हम एक बार स्नेयर वाली चीज़ दे रहे हैं थोड़ा सा, ये चीज़, ठीक है। तो चक और म्यूट के अंदर छोटा सा फ़र्क है और कोई नहीं। अब बाकी चलते हैं हमारे तीसरे पार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर यार हमारा क्या आता है, हमारी तीसरी चीज़ आती है गिटार रोल। तो गिटार रोल के अंदर हमें देखना क्या होता है, हमें स्ट्रिंग्स को म्यूट करना है। म्यूट करने का तरीका ऑलरेडी बता दिया कैसे, एक बार स्ट्रिंग को प्ले करके हल्का सा हाथ यूँ लगा के देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि कितना पावर मेरे को स्ट्रिंग्स पर लगा के रखना है कि ये स्ट्रिंग्स ऐसी साउंड दे, ना मेटलिक आए ऐसी, ना एकदम से ओपन आए, एकदम ब्लंट सी आवाज़ है, यानी म्यूट साउंड आए। तो म्यूट साउंड को ध्यान में रखते हुए हमें बस करना क्या होता है, हमें ना गैप को कम करते 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 कॉर्ड तक पहुंचना है और फिर एकदम से कॉर्ड को पिक कर देना है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, कोई गाना लेते, चलो गुलाबी आंखें ट्राई करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे को नहीं पता, क्योंकि यार देखो गिटार रोल ना हर गाने के अंदर नहीं जचता, ये नहीं कि तुम सारे गानों के अंदर उसको लगा दो, नहीं। गिटार रोल कुछ स्पेसिफिक गानों के अंदर होता है, जैसे ज़्यादातर चांसेस इसके पता है कब होते हैं, कुछ गाने हमारे ऐसे होते हैं ना जिसमें एक लाइन पे हमारी कॉर्ड आ रही है एंड में, देन उसके बाद अगली लाइन के हाफ पर जाने के बाद हमारी कॉर्ड चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब ऐसे कुछ सीन्स आते हैं ना तो वो तुम्हारे पास बीच का टाइम होता है जहाँ पर गिटार रोल बहुत अच्छी तरह से लग पाता है। मतलब हमेशा वहीं पर नहीं, बट ज़्यादातर चांसेस होते हैं वहाँ पे गिटार रोल अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, गुलाबी जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मैं यहाँ पे क्या करा था, ये चीज करी मैंने। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा टाइमिंग को देख के चला, मैंने गाना नहीं रोका, मैंने स्ट्रमिंग नहीं रोकी, मैं कुछ भी नहीं रुका, बस यहाँ पे कॉर्ड लगाने की जगह मैंने थोड़ा सा ऐसे ले लिया। तो मैंने अब नोटिस करो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग को म्यूट रखे रखा, देखो यहाँ भी म्यूट और यहाँ भी म्यूट, हर जगह म्यूट की साउंड सेम ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आता। बेशक यहीं पे खड़े खड़े कर लो, वो बस थोड़ी सी आदत है मेरी, ऐसे करने से थोड़ा फील आता है गाने का, ठीक है, और कुछ नहीं। तो हल्का 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 स्लाइड अप करते करते इतना टाइम रखो कि वापस कॉर्ड पर आ जाओ। जैसे मान लो मेरे को जी मेजर लेनी है किसी भी गिटार रोल के बाद, एग्जांपल लेते गुलाबी आंखें स्किप करते हैं अभी, एग्जांपल लेते मेरे को जी मेजर लेनी है किसके बाद, एक गिटार रोल के बाद, तो मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूँगा, हमेशा ठीक है। तो यानी मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने गिटार रोल लिया, म्यूट करे रखा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलाते चलाते मैं यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पे मेरे को पता है जी मेजर ऐसे आ जानी है, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, रेडी रहा, एंड जैसे ही मेरे को मौका मिला, बीट मिली, टाइम मिला, एकदम से इसको जी मेजर बना दिया। तो ये चीज़ें होती है हमारे गिटार रोल के अंदर, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को म्यूट करे 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 एकदम से फटाफट से पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें जाना है, एंड देन उसी कॉर्ड को वहीं से प्रेस करके एकदम से दे देते हैं। देखो जब भी गिटार रोल एंड होएगा ना, उसके एकदम बाद आपको कॉर्ड देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर वो अच्छा लगता है, तभी लगता है कि हाँ गिटार रोल दिया एंड वापस म्यूज़िक में फिर से आ भी गए। तो उस चीज़ का ध्यान रखना कि अपनी फिंगर्स को इतना रेडी रखना कि जब भी गिटार रोल दो उसके जस्ट बाद एंड होते ही
सीधा एकदम से कॉर्ड पकड़ लो, यानी पता ना लगे कब गिटार रोल एंड हुआ, कब तुमने बीच का टाइम भी ले लिया और कॉर्ड पे भी आ गए। वो चीज़ अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए, एक जैसी दिखनी चाहिए। तो ये होता है हमारा गिटार रोल। अब आते हैं हमारी फोर्थ एंड द लास्ट थिंग विच इज़ स्वाइप, यानी एकदम से अप स्लाइड। तो एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस, कमिंग टू द लास्ट पार्ट विच इज़ स्लाइड। तो स्लाइड के अंदर यार बेसिकली देखो हमें करना क्या होता है, जैसे बार लगाते हैं, बार तो एकदम ऐसे टाइट होता है, ठीक है, सारी स्ट्रिंग्स प्रेस हो जाती हैं, लेकिन स्लाइड के अंदर ऐसा नहीं करना होता। स्लाइड के अंदर नीचे की स्ट्रिंग्स को म्यूट में रखना होता है। एंड जब कभी भी इस फिंगर को हल्का सा, जैसे यहाँ से देखना मुश्किल रहेगा कैमरा में, अगर कभी भी स्ट्रिंग को हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करोगे ना, तो यानी बेस स्ट्रिंग प्ले हो जाएगी हमारी। तो बेस स्ट्रिंग का ही हमारा सारा सीन होता है स्लाइड के अंदर। इस साउंड, ये साउंड चाहिए होती है हमें, ठीक है। तो स्लाइड के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा साउंड क्या देता है, हमारा बेस स्ट्रिंग सबसे ज़्यादा साउंड बनाता है किसी भी स्लाइड के अंदर। तो स्लाइड में हमें करना क्या है, अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा टाइट, मतलब म्यूट से हल्का सा ज़्यादा, ताकि थोड़ा सा मेटलिक साउंड आए, पता लगे कि यहाँ पे वायर्स हैं, और थोड़ा सा और प्रेस होते ही वो एकदम बार बन जाएगा। तो उसको हल्का सा ऊपर करना है, हल्का सा कम यहाँ पे वजन डाल के रखना है इन पे, एंड ऊपर वाली स्ट्रिंग को प्रेस करके रखना है अपनी उंगली से, ये चीज़ कर देनी है। अब इसके अंदर टाइमिंग क्या है, टाइमिंग हमेशा ध्यान रखोगी, स्लाइड एक बीट तुम्हारी हमेशा खाएगा। तो इस एक खाई हुई बीट को ध्यान रखना, चक की तरह ही है कि जैसे कभी भी लिया एकदम से स्लाइड लिया और वापस शुरू कर दिया गाना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। काफ़ी सिंगर्स ऐसा भी करते हैं कि एक कॉर्ड दी स्लाइड दिया, दूसरी कॉर्ड दी स्लाइड दिया, तीसरी कॉर्ड दी स्लाइड, चौथी कॉर्ड स्लाइड। तो वो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि टाइमिंग गलत ना हो। टाइमिंग अगर गलत हुई तो स्लाइड बहुत ही ज़्यादा बर्बाद लगता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि स्लाइड देके गाना वापस शुरू कर पाओ। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एंड दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट कि ये यहाँ पे जैसी नीचे है वैसी एक साथ ऊपर भी जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो यार देखो तुम एक बार प्ले करके नीचे कर दोगे, लेकिन बेस स्ट्रिंग अगर साथ में प्ले नहीं हुई तो बाद में बहुत ज़्यादा अजीब सा साउंड करेगा। जैसे मैं इस हाथ को अगर पहले मार दूँ और फिर इसको लेट लेके जाऊँ, तो देखना कैसा साउंड आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले स्ट्रिंग्स म्यूट थी ना यार। तो एकदम से एक साथ दोनों चीज़ें करनी है, ताकि वो साउंड वूश साउंड आए एकदम से, ये चीज़ है, ठीक है। तो स्लाइड को थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, बाकी चीज़ों से थोड़ा सा मुश्किल होता है स्लाइड, क्योंकि अपने हाथ का यहाँ पे वेट डालना थोड़ा सा, ये देखो अभी दिख रहा हो अगर, तो उंगली एकदम से काली हो जाती है इसमें, क्योंकि वायर्स यहाँ से घिसते हो तुम सारी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, बाकी स्लाइड काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी प्यारी चीज़ है। बाकी बस यार हमारे इस वीडियो में इतना ही था, कुछ बेसिक छोटी मोटी चीज़ें बताई थी यार, जो कि इम्पॉर्टेंट भी होती है, लेकिन ये सीख ही नहीं जाती काफ़ी बार, हम मतलब सिखाई नहीं जाती, सीख जाते हैं हम बंदे खुद ही एक दूसरे को प्ले करता देख के, या फिर किसी को भी प्ले लेता हुआ किसी गाने के अंदर ये स्लाइड्स वगैरह आते हुए जब देखते हैं, तो हम ये चीज़ें खुद सीख जाते हैं। बट काफ़ी बार होता है हमें पता नहीं लगता कि आखिर शुरू कैसे करें, इस चीज़ को करना ही कैसे है। तो उसका एक छोटा सा आइडिया देना चाहता था मैं। वर्क हमेशा हमें खुद करना पड़ेगा, स्लाइड, चक, म्यूट, सब चीज़ों पर। कितना भी परफेक्ट होता रहो, हमेशा एक लेवल ऊपर कोई ना कोई तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा अपने से। तो उस चीज़ को हमेशा देख लेना। ये वेरिएशंस छोटी छोटी होती हैं, और भी बहुत सारी वेरिएशंस होती है छोटी छोटी। कुछ लोग स्लाइड लेते लेते बीच में फिर अलग से गिटार रोल दे देते हैं, वो मतलब थोड़ी टशनबाजी आ जाती है। बट मेन हमारी ये चार चीज़ें रहती हैं गिटार के अंदर, जो वेरिएशंस या ट्रांजिशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी गाने का मूड बनाने के लिए। सो बस यार ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी आज के वीडियो के लिए। अगर ये पसंद आए तुम्हारी हेल्प को, इससे तुम ये प्ले कर पाए, सो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, बहुत खुशी होगी जान के अगर तुम्हारी एक भी चीज़ इसमें सक्सेसफुल हो जाती है, तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। बाकी वीडियो इतनी थी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब विद द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाले गिटार लेसन्स कवर सब कुछ देखने को मिलते रहें। एंड बाकी मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। Till then, bye-bye.